हाय नमस्कार दोस्तों, सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामना। दोस्तों, हम गणेश चतुर्थी में अपने घरों में, मोहल्लों में बहुत सारा डेकोरेशन भी करते हैं, तो ऐसा ही डेकोरेशन मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। हिमालय का डेकोरेशन कैसे करते हैं, हिमालय कैसे बनाते हैं, ये डेकोरेशन मैं आप सबको स्टेप बाई स्टेप आज सिखाने वाला हूँ। आज तक आपने ऐसे वीडियो बहुत सारे देखे होंगे, मगर ऐसा वीडियो आपने पहली बार देखा होगा, ये मैं चैलेंज करता हूँ। तो आइए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। कैसे बनाते हैं ये आपको देखना है, कुछ मटेरियल्स है उसके बारे में समझाता हूँ और कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको बनाते हैं। तो आप भी आपके घरों में, आपके मोहल्ले में ऐसा डेकोरेशन कीजिए। सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामना। ये बैकग्राउंड में लगाने के लिए कॉटन कपड़ा है, उसके बाद ये है वो बोरा बनने का कपड़ा, ये है सुतली, ये है बाम्बू वांस, ये एशियन पेंट है वॉल प्राइमर, ये इसमें मिलाले का मीडियम कलर्स हैं और कुछ एक्रेलिक कलर भी है ये। उसके बाद हमें जो यूज़ करना है कम से कम वो है ये ब्रश। पूरे बैकग्राउंड को कवर करने के लिए ये स्प्रे मशीन है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ये है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये है वाइट सीमेंट, कोई भी अच्छी कंपनी और क्वालिटी का ले लीजिए। सबसे पहले वो कॉटन कपड़े को मंडप में ऐसे फिट कर दीजिए जहाँ पर हमें ज़रूरत है। उसके बाद वो ब्लू कलर से हम पूरा बैकग्राउंड को कवर कर लेंगे स्प्रे मशीन से, और इसके बाद हम स्ट्रक्चर बनाना ऐसे शुरू कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाम्बू जो वांस है उसको और रस्सी की मदद से पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ढांचा बनाते हैं। जिस हिसाब से हमें हिमालय का पहाड़ बनाना है उस हिसाब से हम पूरा स्ट्रक्चर बना लेंगे। उसके बाद जो बोरे का कपड़ा था उसको लेकर पहाड़ के ढांचे के जैसे ही उसको ढक देना है पूरा और फिट कर देना है। आप देख सकते हैं जिस तरह का हमने पहाड़ बनाया है, जिस तरह का हमारा प्लान है उस हिसाब से हमने उसको पूरा ढक दिया है। अब उसके बाद हम अच्छी क्वालिटी का POP लेकर उसे भिगोकर उसके ऊपर लगाना शुरू कर देंगे। ऐसे पूरे का पूरा जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें हम ऐसे POP लगा देंगे। यह हमारी पूरी टीम है और टीम वर्क से ही ये काम पूरा हुआ है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं पूरे स्ट्रक्चर में हमने जैसे हिमालय का स्ट्रक्चर था उस हिसाब से हमने POP लगा दिया है, और देख सकते हैं यहाँ पूरा बैकग्राउंड में। और यहाँ जहाँ पानी का झरना बनाना है वहाँ पर हमने वाइट सीमेंट लगा दिया है। अब हम पूरे बैकग्राउंड में ऐसा ब्लू कलर से स्प्रे करेंगे, ये एक्रेलिक कलर है, हमने आपको जैसे आगे इमेज में बताया था वही एक्रेलिक कलर से हम पूरे हिमालय का शेड स्प्रे कलर से कर देंगे कुछ इस तरह से। हल्के हल्के हाथों से बनाना है क्योंकि पूरा जो हिमालय है वो बर्फ़ से ढंका हुआ है, कुछ ऐसा बनाना है। इसलिए कई जगह पर जहाँ पर हमने पत्थर बनाए थे वहाँ पत्थर पर हमने पत्थर के जैसे कुछ कलर्स के शेड दे दिए, और इस तरह से मेरा ये पूरा बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप देख सकते हैं। अगर टीम वर्क हो तो बहुत अच्छी तरह से बन सकता है। ये मेरा पूरा बैकग्राउंड तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। ऐसे ऐसे हम स्प्रे वर्क करेंगे स्प्रे मशीन से, और ये हमारा हिमालय का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। इतना सिंपल है, आप देख सकते हैं। यहाँ से हमने जो झरना बनाया था वैसे वाइट सीमेंट से नीचे की ओर आ रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ से हम एक बार उसका डेमो करके देख सकते हैं। वाइट सीमेंट लगाने के बाद झरने का जो पानी है वो कहीं पर लीक नहीं होता, इसलिए हम यहाँ वाइट सीमेंट लगाते हैं, आपको मालूम हो गया होगा।
जहाँ जबर पत्थर है, जहाँ पर बर्फीली जगह है, चट्टान है, वहाँ पर कुछ इस तरह से हमने सेड कर दी है स्प्रे मशीन से, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बस इसी तरह हमें पूरा बैकग्राउंड को कवर करना है। और ये हमारा पूरा बैकग्राउंड कवर हो चुका है हिमालय का, देख सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। तो इतना सिंपल है दोस्तों, आप कोई भी बना सकते हैं, बस पूरा मटेरियल चाहिए और कुछ हेल्प चाहिए दोस्तों की। अब यहाँ से बाकी का स्ट्रक्चर हम शुरू करते हैं, फिर उसी तरह जिस तरह हमने आगे का किया था। कुछ स्टेपलर की भी ज़रूरत पड़ती है, ऐसे उसको स्टिच कर देते हैं स्टेपलर से। और उसके पर भी हमने ये POP प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दिया है। ये बाद में हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि पहले हमें वो वाटरफॉल का डेमो कर देख लेना था। और उसके बाद जिस जिस जगहों पर जहां हमने वो बोरा जोड़ दिया था उसको हम ढक देते हैं और ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को लगा देते हैं। आप चाहे तो पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी बना सकते हैं और आप चाहे तो वाइट सीमेंट से भी बना सकते हैं। अगर वाइट सीमेंट से बनाते हैं तो उसकी मजबूती बहुत ही बढ़िया होगी, पर वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। इसलिए जहाँ पर ज़रूरत है, जैसे कि वाटरफॉल बनाना है, पानी का झरना बनाना है, वही जगह पर आप वाइट सीमेंट लगाइए ताकि कम से कम खर्चे में ये तैयार हो जाए। पूरा ऐसे हमने बाकी के कपड़ों को ऐसे जोड़ दिया है और उसके पर भी हम आगे के जैसे ही प्रोसेस से पूरा स्प्रे वर्क करके ये पूरा हिमालय तैयार कर देंगे। और ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं दोस्तों, तो बस आप भी ऐसे बनाइए आपके गली मोहल्ले में, घर में, और डेकोरेशन करके गणेश जी का पूरा बैकग्राउंड ऐसे सजा सकते हैं। POP लगाने के बाद पूरे बैकग्राउंड को हिमालय के जैसा दिखने के लिए, पूरा वाइट करने के लिए हमने जो आपको आगे बताया था वो वॉल प्राइमर जो है उसका ऐसे स्प्रे कर देना है ताकि पूरे का पूरा बैकग्राउंड एक जैसा और एकदम वाइट बर्फीला दिखे, तो ये ज़रूर करना है। बहुत बढ़िया बन चुका है, आप देख सकते हैं, और हमारा पूरा हिमालय तैयार हो चुका है दोस्तों। इतना सिंपल है, मैंने कहा था ना आपको कि इससे बढ़िया वीडियो आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। एकदम सिंपल है, वाओ कितना बढ़िया झरना बह रहा है पानी का। पानी में भी हमने कुछ ब्लू कलर मिला दिया है, आप भी मिला सकते हैं ऐसे, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया दिखता है। तो दोस्तों आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हम अपने घर पर अगर छोटा सा डेकोरेशन ऐसा करना तो भी कर सकते हैं। तो सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब फिर से बोलिए गणपति बाप्पा मोरिया।